शादी को यादगार बनाने के लिए लोग जाने क्या क्या करते हैं। ऐसी ही एक तस्वीर एक शादी से आ रही है, जहां दूल्हे ने दुल्हन को फ्लावर पॉट दिया तो वही दुल्हन ने दूल्हे को हेलमेट दी। बताते चले कि सत्सा निवासी श्री कृष्ण पांडे के सौपुत्र विक्रांत पांडे की शादी खैरा निवासी श्री राम तिवारी की छोटी पुत्री नेहा के साथ इन तस्वीरों के साथ सम्पन्न हुई। समस्तीपुर में बिजली के शॉर्ट सर्किट से जले कई घर, 3 साल का मासूम जिंदा जला, मवेशी भी आग की चपेट में आए। खगड़िया जिले के अरौली विधानसभा क्षेत्र के राजद विधायक रामवृक्ष सदा के पुत्र रामानंद कुमार से रविवार को 5 लाख रुपए रंगदारी मांगी गई। रंगदारी नहीं देने पर विधायक व उनके पुत्र को जान से मारने की धमकी दी गई। इस संबंध में विधायक के पुत्र ने अलौली थाना में आवेदन देकर गंगौर थाना अंतर्गत सिमराहा गाँव निवासी रामानंद सदा के पुत्र पंकज कुमार के विरुद्ध प्राथमिकता दर्ज कराई है। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी की ओर से आयोजित इस्तीफा पार्टी में नीतीश कुमार की शिरकत के बाद से बिहार की राजनीति में बदलाव को लेकर चल रही अटकलों के बीच अब नेता विपक्षी तेजस्वी यादव ने रिएक्शन दिया है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री ने सोमवार को किसी राजनीतिक मोड़ की कल्पना को लेकर आगाह करते हुए कहा कि वह बीजेपी और आरएसएस से जुड़ी ताकतों से लड़ते रहेंगे। सिपाही हो या अफसर, कोई भी अपने ऊपर दर्ज आपराधिक मामलों या विभागीय कार्यवाही को छुपा नहीं पाएगा। आला पुलिस अधिकारियों को इसकी जानकारी तुरंत मिल जाएगी। पुलिस कर्मियों की सेवा पुस्तिका और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम के सॉफ्टवेयर में दोनों ही जानकारियां दर्ज की जाएंगी। पुलिस मुख्यालय ने जिले के 7 इकाइयों को इसे हर हाल में दर्ज कराने को कहा है। औरंगाबाद और गया जिले के बॉर्डर पर सोमवार को प्रेशर बम की चपेट में आने से एक ग्रामीण की मौत हो गई। मृतक की पहचान मदनपुर प्रखंड के तारचूरा निवासी 52 वर्षीय कैल भुइया के रूप में की गई है। घटनास्थल गया जिले के छकरबंधा अंतर्गत बताया जा रहा है। धंधा में शराबी पति की करतूत, बेटा नहीं होने पर पत्नी को पीट पीट कर मार डाला। मासूम बेटी बोली, पापा ने की मम्मी की हत्या। जहानाबाद जिले के सकुराबाद थाना क्षेत्र के बंधु विधा गांव में रविवार की देर रात सन की पति ने धारदार हथियार से पहले पत्नी का गला रेता, फिर खुद का गला रेत कर आत्महत्या कर ली। मृतक अजीत कुमार बंधु विधा गांव का रहने वाला। नालंदा सैनिक स्कूल के 37 बच्चे बीमार, समोसा खाने के बाद बिगड़ी तबीयत। सुपौल जिले के राजेश्वरी ओपी क्षेत्र के तमुआ गांव में रविवार की रात अपराधियों ने एक रिटायर्ड शिक्षक पुष्पलाल मेहता की गोली मार कर हत्या कर दी। घटना की जानकारी परिजनों को सोमवार की सुबह हुई, जब शव को दरवाजे के आगे कटहल के पेड़ के पास खून से लथपथ देखा। मृतक की पीठ के बाईं तरफ गोली लगने का निशान था।